everyone wants to know from you what will happen. Will Modi win 370 seats? Is that really the right question, or is there something else that we should be asking? Because we keep asking the same question. देखिए बीजेपी के अपने अकेले दम पे 370 तो नहीं आ सकती है, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। 370 बीजेपी के अपने दम पे नहीं आएगी, वो सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, 300 से ज़्यादा सीट आ सकती है, शायद आ भी जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जिसको इसमें अब रुचि नहीं रह गई है कि बीजेपी को 330 आएगा कि 350 आएगा कि 310 आएगा। जो बीजेपी का कार्यकर्ता वर्कर है, ऑफकोर्स दे वॉन्ट टू रीच दैट लेवल, देन सेलिब्रेट इट, डू सम थंब चेस्टिंग इफ नीडेड, बट जो कॉमन लोग हैं उनकी सोच है कि अगर इतने बड़े मैंडेट से तीसरी बार सरकार को जीत के आ रही है, उसके बाद क्या होगा। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो सोच रहे हैं भैया देश में अब पहली बार अब आमूलचूल परिवर्तन आएगा, वो अपने ही से तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मोदी जी ने खुद भी कहा बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाइए। जब देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर ये कह रहा है कि भाई अब बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ, तो देश का हर वर्ग जो कि इन बातों को समझता है या को रिलेट कर पा रहा है, वो अपने अपने तरीके से उस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर रहा है। जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं भैया अब देखना सही में मोदी राज आएगा, सही में चेंज आएगा, वट एवर इट मीन्स। दोज हु आर अपोज टू हिम आइडियोलॉजिकली और अदरवाइज, दे आर इक्वली वरीड एंड एंग्जियस कि भाई बड़े निर्णय का मतलब क्या है। तो आप सुन रहे हैं कोई कह रहा है भाई संविधान बदल दिया जाएगा, कोई कहेगा देश में लोकतंत्र बचे, ये ज्यादा लोग उस पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं घरों में मेरी समझ से। और उनके लिए वो जरूरी है समझना कि भाई इतने बड़े मैंडेट से जब तीसरी बार कोई जीत कर आएगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो सरकार को कैसे, क्योंकि ये हिस्टोरिक घटना इस सेंस में है कि नेहरू जी के बाद ये पहली बार हो रहा होगा। नेहरू जी तीसरी बार लगातार जीत कर आए थे, उसके बाद से कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी नेता तीन बार लगातार इंक्रीमेंटल वोट से जीत कर नहीं आया। इंक्रीमेंटल क्या, तीन बार लगातार कोई जीता ही नहीं है। तो उस हिसाब से डेमोक्रेसी के नजरिए से भी आप देखेंगे बड़ी घटना है। तो पीपल आर वरीड, हैप्पी, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, कि भाई ये जब हो रहा है तो इसके बाद कुछ तो होगा जो रूटीन नहीं है, एंड दैट इज वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज ए कंट्री एज ए सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट, रादर देन कि उनको 310 आएगा कि 330 आएगा, एनडीए को 400 आएगा कि नहीं। भाई एनडीए को 400 तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो जीतेगा वो एनडीए में आ जाएगा, हो गया 400, इसके लिए क्या परेशानी की जरूरत है। जो चुनाव से पहले भी नहीं है एनडीए में, बाय द टाइम शपथ समारोह खत्म होगा तब तक जो जो जीत के आएगा वो कहेगा भैया हम भी एनडीए में ही है, तो वो तो कोई उसका कोई मैटर नहीं करता है। बीजेपी की अपनी टैली मुझे लग रहा है कि एक नंबर के हिसाब से दे वुड डेफिनेटली इंक्रीज देयर नंबर एंड वोट शेयर सिग्निफिकेंटली इन ईस्ट एंड सदर्न इंडिया। ओके, सो इफ आई एम एन इलेक्शन ऑब्जर्वर आई वुड पे मोर अटेंशन टू बीजेपी हाउ दे आर फाइटिंग एंड वॉट इज हैपनिंग टू देम एंड देयर वोट शेयर इन ईस्ट एंड सदर्न इंडिया। आई ऑलवेज से अगर मतलब बीजेपी के 10 साल के डोमिनेंस के बाद भी द स्टेट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स ईस्ट एंड सदर्न इंडिया रफली अबाउट 220 सीट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार, एड दैट टू बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो स्टेट है दे रफली अकाउंट फॉर 220 सीट्स। और इसमें बीजेपी अभी तक 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। बहुत लोगों को लगता है बीजेपी बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई, डिस्पाइट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन बिहार 17, बेस्ट तो नहीं सेकेंड बेस्ट था, 2014 में इससे ज़्यादा सीट जीते थे, डिस्पाइट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन बंगाल एंड उड़ीसा एंड तेलंगाना दे कुडंट क्रॉस 50, बट माई गेस इज दिस टाइम दे आर क्रॉसिंग 50 इन दिस एरिया, दे विल सिग्निफिकेंटली एड नंबर्स, नंबर ऑफ सीट इन ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, एंड वी वुड ऑल्सो सी अ ह्यूज जंप इन देयर वोट्स हियर विच इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु। You would see, I have said this a year back, that for the first time I see BJP in double digit in Tamil Nadu, vote share. I don't know about the seat, but definitely they are in double digit in terms of vote share in Tamil Nadu. They will be either the first or the second party in Telangana, which is a big thing. They will be number one in Odisha, for sure. They could be very well number one in Bengal. You would be, lot of you would be surprised, but BJP will in
इन ऑल लाइकलीहुड टू माई माइंड बीजेपी इज गोइंग टू इमर्ज एज नंबर वन पार्टी इन वेस्ट बंगाल इन लोकसभा एंड बिहार ऑफ कोर्स दे विल बी नंबर वन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली 17 बट प्रॉब्ली दे विल हैव अ बेटर स्ट्राइक रेट देन एनीबडी एल्स. So, even PM today said, talking about anxiety among people, you know, what would happen in a third term, he said, look, whatever has happened under the BJP rule in the last 10 years is just an appetizer, just a trailer, the big picture is yet to come. Yes, but as I said, the more he talks about these things, and starting from his statement in parliament when he said, ki बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाइए देन इन आरबीआई मीटिंग ही सेड समथिंग इट इज बीइंग इट हैज बीन रिपीटेड टाइम एंड अगेन मेक नो मिस्टेक ऑन द ग्राउंड फॉर अ कॉमन पर्सन कोई चाय का दुकान वाला है पान की दुकान वाला है सामान्य आदमी है किसान है स्टूडेंट है दे आर इंटरप्रेटिंग एनालाइजिंग और आई वुड से रादर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद व्हाट इट मींस फॉर देम. जब आप कहते हैं अच्छे दिन आने वाला है जब आपने कहा तो स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन अलग है और किसान के लिए अच्छे दिन का मतलब अलग है गृहिणी के लिए अच्छे दिन का मतलब अलग है इंडस्ट्रीज के लिए अच्छे दिन का मतलब अलग है. हर आदमी अपने अपने तरीके से उसने एनालाइज किया एंड एक्सपेक्ट किया कि मेरे लिए अच्छे दिन ऐसे आ जाएंगे. उसी तरह से बड़े निर्णय का मतलब क्या है तो एक अगर किसान ये समझ रहा है कि भाई मोदी जी आएंगे हमारी बेहतरी होगी तो किसानों का एक बड़ा वर्ग एंग्जियस भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से वो लॉज जिसके खिलाफ हम लड़े हैं उसको लाया जाएगा. अगर एक वर्ग है जो कि ये समझता है कि 370 जैसे बड़े निर्णय होंगे तो एक वर्ग है जो डरा भी हुआ है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप मथुरा काशी को लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लेंगे या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर. बहुत तो देश में ये दोनों धाराओं में कुछ लोग इससे एक्साइटेड भी हो सकते हैं बट इक्वल नंबर ऑफ पीपल आई वुड से आर एंग्जियस आल्सो एंड देयर आर पीपल इन द मिडिल हु आर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि भाई व्हाट इट विल डू टू द डेमोक्रेसी. ऐसा तो नहीं कि पावर बहुत किसी एक आदमी के पास आ जाएगा ऐसा तो नहीं कि देयर विल बी टू मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सो किशन जी यू सेड कि बीजेपी इज गोइंग टू डू मच बेटर इन ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया दिस टाइम एंड आर दे गोइंग टू रिटेन देयर स्ट्रांग होल्ड इन द सेम वे दे डिड द लास्ट टाइम एंड इफ दे डू सो वेयर डज इट लीव द अपोजिशन आर वी इन फॉर अ वन पार्टी रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक इट वाज ड्यूरिंग द कांग्रेस टाइम. नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो ऑल द जर्नलिस्ट्स ऑल ऑफ अस वी हैव गॉट सच अ शॉर्ट मेमोरी. This is the BJP narrative which they are trying to push down the country that nobody has ever been this popular. Nobody has ever won this kind of mandate. No party has been this omnipresent. But all these things are not the fact. This country has seen bigger governments, consecutive governments, governments with bigger votes here, bigger mandates. At the peak, Congress used to have 2,500 plus MLAs in this country out of 4,000 odd MLA seats across the country. What we have, Congress used to have more than 2,500 MLAs. BJP at its peak used to have never crossed 1,750 MLAs. BJP before this round of elections were reduced to what? They were less than 50% of India in terms of population which were under BJP rule. So, इस तरह की पहले भी गवर्नमेंट आई है लोगों ने देखा है. थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा है कि ये आइडियोलॉजिकली बीजेपी डोमिनेंस और बीजेपी डिजायर डजेंट स्टार्ट एंड एंड विथ वोट. ये जो आपको दिखता ना कि इतना असर क्यों है, असर इसलिए है कि बीजेपी इज नॉट ओनली सीकिंग वोट, दे आर सीकिंग योर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट. दे वॉन्ट साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, दे वॉन्ट टू कैप्चर योर माइंड स्पेस. They want to decide on your behalf who you are friends with or who you should be friends with. What do you want to eat? What you should eat? How should you pray? Who should you pray? So, jab aap, aapka jo legitimate domain hai, political party ka legitimate domain hai, vote lena. When you cross that domain, that is when you create the problem. And that is why as a citizens, we need to be careful. Because it's not ending with the vote. Vote to partiyan leti aayi hain. आप किसी को वोट दोगे, किसी को जिताओगे, किसी को हराओगे, पहले भी होता रहा है. बट दे डोंट एंड विथ वोट. दैट इज वाई यू एंड आई गेट दिस फीलिंग कि यार कुछ बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हुआ देश में. इसलिए कि जो उतने मैंडेट से जो लोग जीत कर आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वर्शिप किसको कैसे करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अब
हिस्ट्री को बदलो, उसमें थोड़ी बहुत ट्विकिंग टिंकरिंग सब लोग करते हैं, उसको लेकर समाज में एक थोड़ा सा एंग्जाइटी आपको मिल सकती है। बट प्रशांत जी, इट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस कंट्री इज विलिंग टू गिव दैट कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट टू बीजेपी। नॉट 50%, थोड़ा सा 38 एंड 50 इज अ बिग डिफरेंस। अभी वो बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बट मतलब हम, वी शुड टेक नोट ऑफ द प्लुरैलिटी ऑफ दिस कंट्री एंड द सोसाइटी, द मेक द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड। कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में 50% वोट लेकर नहीं आया, एंड दैट टेल्स अस कि मतलब इंडिया में अपोजिशन कभी, विपक्ष कभी कमजोर नहीं है। विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं, विपक्षी फॉर्मेशन कमजोर हो सकता है, लेकिन देश पूरा आपके साथ हो गया है उसके लिए 50% वोट अभी तक किसी को नहीं आया है। एंड आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेजेंट बीजेपी लीडरशिप इज दैट दे आर क्वाइट कॉग्निजेंट ऑफ दिस। दैट्स वाई टू मेनी पीपल दे अपियर रिलेंटलेस टू इंक्रीज फ्रॉम 38-31 टू 38, नाउ दे आर एमिंग फॉर 50। उनको पता है कि जिस देश में करीब करीब 600-700 मिलियन लोग आज भी $1 a डे नहीं कमा रहे हैं, वहां अपराइजिंग कब किस बात पर हंगामा शुरू हो जाए कोई जानता नहीं है। तो यू शुड नेवर से कि भैया अब तो बस कोई बचा नहीं देश में, अब तो कोई विरोधी नहीं बचा, कोई डिसेंटर नहीं बचा, ऐसा नहीं संभव है। सो इफ यू कैन, और ऐसा इसलिए आपको लगता है कि यू आर डीलिंग लार्जली विथ पीपल हु आर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और वेल ऑफ। उनके मन में डर ज्यादा होता है। मुझसे किसी ने पूछा कि मतलब वेयर इज द होप एंड वेयर इज द डिस्पेयर, तो होप ये है कि जो हैव नॉट्स हैं इस कंट्री में वो नहीं डरे हुए, वो नहीं डरते किसी से। उनकी जिंदगी इस लेवल पे है कि वो डरते किसी से नहीं है। आप गांव में चले जाइए, आप लोग तो खुद आपका एक्सपीरियंस होगा, कैमरा लगाओगे, साधारण आदमी किसी भी नेता के खिलाफ अगर उसका मन है तो बोल देगा, वो डरता नहीं है। एक इंडस्ट्रीज से वो बात आपको बुलवानी है तो वो नहीं बोलेगा। तो जो वास्ट मेजोरिटी है अभी उसको आप स्टीम रोल नहीं कर पाए हैं और कोई कर नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है, इन एटलीस्ट द टाइम फ्रेम विच आई कैन सी। प्रशांत जी, एक तो व्हाट इज गॉन रॉन्ग विद राहुल गांधी, मतलब कहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ आपकी नज़र में? और दूसरी चीज़ में जो पूछना चाहता था आपसे कि आई जस्ट हर्ड समवेयर आपने मोदी जी की तुलना इंदिरा गांधी के साथ की, हाउ? नहीं, मोदी जी की तुलना इंदिरा जी से करने के पीछे जो सोच है कि मोदी आज भाजपा के लिए वही है जो 70s में इंदिरा गांधी कांग्रेस के लिए थी। संगठन हो न हो, कैंडिडेट अच्छा हो न हो, गवर्नेंस से लोग खुश हो न हो, इंदिरा जी उनके नारे उनके चेहरे पर लोग कांग्रेस को वोट देते थे। आज जो बीजेपी की स्थिति है टू दैट एक्सटेंट कि संगठन हो न हो, लोग एमपी कैंडिडेट से नाराज हो खुश हो, काम वहाँ हुआ हो न हुआ हो, उनकी अपनी जिंदगी बदली हो न बदली हो, वोट मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है। टू दैट एक्सटेंट आई हैव कंपेयर्ड, आई हैव नॉट कंपेयर्ड इन टोटैलिटी। राहुल गांधी के बारे में एक सवाल पूछा, अब ये मुझे लगता है कि फिजूल की बात है कि राहुल गांधी का डिक्लाइन कहाँ शुरू हुआ। मैं उसको ये कहूँगा कि अगर आप कांग्रेस के डिक्लाइन को समझने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस का डिक्लाइन इज नॉट सेम एज पीपल से कि राहुल गांधी के आने से खराब हो गई कांग्रेस। कांग्रेस का जो डिक्लाइन है वो शुरू हुआ व्हेन कांग्रेस पीक्ड इन 1984, एंड देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ लेसन विच बीजेपी एंड देयर लीडरशिप और देयर सिंपथाइजर शुड टेक फ्रॉम इट, कि कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ 1984 में जब उनको 400 से ज्यादा सीट आ गई और बीजेपी को 2 सीट आ गया। उनको लगा अब देश में कोई है ही नहीं, जो हम हैं, हमने जो कह दिया वही रूल है, हमने जो कह दिया वही ठीक है। 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस इस देश को जीत नहीं पाई है। 40 बरस हो गए, 15 बरस इन बिटवीन कांग्रेस बीच में सत्ता में रही, लेकिन 5 बरस नरसिम्हा राव जी की सरकार माइनॉरिटी की सरकार थी और 2 बार UPA 1 और UPA 2 में कोलिशन की सरकार थी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कांग्रेस का जो डिक्लाइन है, 1989 में हम लोग सब कहते हैं कांग्रेस हार गई चुनाव, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 198 इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल 198 सांसद जीत कर आए थे। हम और आप इतिहास हर जगह ये कहता है भी कांग्रेस हार गई 1989 में। 2004 में कांग्रेस के 142 सांसद जीत कर आए, हम आप कहते हैं भैया सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई, लेकिन कांग्रेस है जो पार्टी का तो डिक्लाइन हुआ भाई, 198 लेकर आप हारे हुए माने गए
और 142 लेकर समाज ने आपको विजेता घोषित कर दिया. व्हेन यू प्लॉट द डेटा ऑफ कांग्रेस जर्नी द डिक्लाइन इज सेकुलर देयर वोट शेयर देयर नंबर ऑफ सीट्स. कोई कोई आपको बोलेगा नहीं 2009 में एक लोकसभा में बढ़ गया था, दैट्स देयर. लेकिन अगर आप कांग्रेस का वोट शेयर देखेंगे, नंबर ऑफ असेंबलीज को देखेंगे जहां वो नंबर वन या नंबर टू रहे अक्रॉस कंट्री, इट इज अ सेकुलर डिक्लाइन 40 years. दैट टेल्स यू कि इट इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल. कहीं ना कहीं कांग्रेस की फॉर्मेशन में देर इज एन स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन द वे पार्टी हैज बीन स्ट्रक्चर्ड, द वे दे फंक्शन, द वे दे कनेक्ट विद पीपल, द वे दे डू देयर आउटरीच, द वे दे रिवॉर्ड देयर वर्कर्स. जब तक आप उसको नहीं एड्रेस करोगे तो आप सिर्फ लीडर्स को बदलते रहोगे ऊपर, चाहे आप CWC बदल दो, PCC बदल दो, राहुल गांधी के जगह किसी दूसरे को लाओ, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है. क्योंकि रीजन ऑफ डिक्लाइन इज स्ट्रक्चरल एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज सम टेम्पररी सम एग्जीक्यूटिव मेजर. अच्छा भाई प्रशांत किशोर को ले आओ, ये चुनाव जिता देंगे, तो पहले तो जिता नहीं सकते, और अगर जिता भी दिए तो भी वो लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है. A supplementary to the Congress thing, the Congress has been variedly described as ventilator support, terminally ill, and we also had a union minister saying there's no vacancy for Congress till 2047. And in between, a couple of years ago, you and the Congress worked out some plan, you know, how to revive the Congress. I think it fell through. You came up with some 4 M's or something. So how do you visualize Congress in the next 5 years? Jo log bhi keh rahe hain ki Congress khatam ho jayegi. तो उन्हें ना देश की पॉलिटिक्स की ज़्यादा समझ है, ना मैं उनकी बातों को गंभीरता से लूँगा, ये तो स्लोगनरिंग है. कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी के फॉर्मेशन के नज़रिए से मत देखिए. कांग्रेस का स्पेस इस देश से ख़त्म नहीं हो सकता है. कांग्रेस का स्पेस तो इस देश में तब ख़त्म होगा जब आप सिंगल पार्टी रूल कर दोगे बाई कॉन्स्टिट्यूशन. तो हो ही नहीं सकता है. और अगर आप करोगे तो गलत करोगे. तो कांग्रेस हैज़ इवॉल्व्ड and reincarnated itself in, if you look at closely history of Congress, pehli baar Congress ko reincarnate kiya Mahatma Gandhi ne. Usse pehle ki 30 baras ki Congress aur Gandhi ke under ki Congress bilkul alag Congress thi. Phir dusri baar Congress ko reincarnate kiya Indira ji ne, jo original Congress se alag hat ke ek nayi, matlab unke vichardhara unke tarike se chalai banayi gayi. Phir Congress ko dusri baar kiya Nehru ji ne, तीसरी बार किया इंदिरा जी ने, और चौथी बार किया सोनिया जी ने. जहाँ पर कि जो पहला जो गांधी का था टेक इट टू द मासेस, दैट वाज द मूल मंत्र कि भाई कांग्रेस उससे पहले इंटेलेक्चुअल्स की एलिट, पढ़े लिखे लोगों का संगठन था. उन्होंने कहा गांव गांव ले चलो. तो हम लोग सुनते हैं भैया हर गाँव में कुछ हो ना हो 5 कांग्रेसी तो जरूर मिल जाएगा. नेहरू की कांग्रेस वॉज मोर ग्लोबलाइज्ड कांग्रेस, एकदम वो गांधी की जो मूल बातें कुछ थी उसको भी कई जगह उन्होंने छोड़ा टू अपियर मोर साइंटिफिक, टू अपियर मोर अलाइन टू द वर्ल्ड नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. जो इंदिरा जी की कांग्रेस थी, इट इज ए ब्रूट पॉलिटिकल मसल पावर, पर्सनालिटी ड्रिवन. नेहरू की कांग्रेस ऐसा नहीं कि नेहरू जी ही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा. इंदिरा जी की कांग्रेस में इंदिरा जी डिसाइड करेंगी. फिर जो सोनिया गांधी ने कांग्रेस का फिर से उसको जिंदा किया, उसमें उन्होंने एलाइज का फॉर्मूला अपनाया कि भाई कांग्रेस थोड़ी कमजोर भी हो हम एलाइज के साथ जीतेंगे. तो ये काम 4 बार किया गया है और चारों समय में हिस्ट्री में आप जाके देखेंगे लोगों ने कहा होगा कांग्रेस अब खत्म, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है. जब इंदिरा जी ने कांग्रेस बनाई होगी तो आप में से कुछ लोगों ने तो उस समय पत्रकारिता में पढ़ा सुना होगा, देखा होगा कि भाई सारा संगठन तो कांग्रेस ओ के पास है, इंदिरा जी क्या कर लेंगी. लेकिन सी रिवाइव्ड कांग्रेस. सेम थिंग व्हेन सोनिया गांधी केम इन 2004, पीपल थॉट कि इट्स ऑल ओवर फॉर कांग्रेस, ये वाजपेयी जैसे कैरिस्मेटिक लीडर के सामने क्या कर पाएंगे, बट सी फाउंड अ वे. सिमिलरली समबडी एल्स कैन फाइंड अ वे, इट्स नॉट पर्सन सेंट्रिक. तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का स्पेस खत्म हो जाएगा, ये संभव नहीं इस देश में. नहीं तो दूसरी पार्टी भी तो उसको वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, रीजनल पार्टीज हैं कर सकती है, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो स्पेस तो कांग्रेस की रहेगी. प्रशांत जी, व्हाट इज योर रिवाइवल प्लान फॉर, इफ यू हैव बीन अ स्ट्रेटजिस्ट टू रिवाइव द कांग्रेस? मैं हुई नहीं, मेरी जिम्मेवारी नहीं, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? मुझे क्यों आप इतने कठिन प्रश्न से दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा? बट यू हैड अ फार्मूला नो फॉर हिम. नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, आपने उसको ध्यान से देखा नहीं है. मेरे से उनकी बंगाल चुनाव के बाद मेरे से उनके लीडर्स के साथ चर्चा हुई, बात हुई,
और ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरी बात, मुझे बुलाया, मुझे अवसर दिया कि आप बताइए कि कांग्रेस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैंने अपनी समझ से एक 10 साल का उनको प्लान दिया एंड आई कॉल्ड इट रीइंकार्नेशन ऑफ कांग्रेस। इट वॉज नॉट अबाउट एन इलेक्शन, इट वॉज नॉट अबाउट अ लीडर, इट वॉज नॉट अबाउट अ कैंपेन, कि 10 साल में आप कांग्रेस को जहां आप खड़े हैं यहां से कैसे रिवाइव कर सकते हैं। नेचुरली इन बिटवीन जो उसमें इलेक्शन आएंगे वो भी उसमें शामिल था, लेकिन इट वॉज ए मेंट टू री इनकारनेट कांग्रेस। द वर्ड इज ओनली नॉट स्ट्रेंथन कांग्रेस और हाउ टू विन 2020, वर्ड इज री इनकारनेट, कीप द सोल, रिमूव द बॉडी, दैट्स द ओनली वे। अब वो पूरी लंबी चर्चा हुई है, पब्लिक के डोमेन में है, 3-4-5-7-10 दिन तक उनसे लगातार बात फाइनली चली भी। उनका बड़प्पन है, उन्होंने कहा भी कि आप आइए, उन्होंने ऑफर भी दिया ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने उस ऑफर को मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि प्लान तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनकी सोच उस समय यह थी कि इसके लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बना दिया जाए और उसमें मैं जिम्मेवारी ले लूं कि यह पूरा काम एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के जरिए की जाएगी। वो 6 या 8 लोगों के मेंबर, 6 या 8 मेंबर की कमेटी होनी थी। मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि जिस तरह की चेंज हम लोग कांग्रेस में चाहते हैं उसके लिए ये जरूरी है कि जो बॉडी या जो इंडिविजुअल भी इसको करे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हो। ईएजी वॉज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें CWC है, उसमें ईएजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई बॉडी एडवाइज कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज नहीं ला सकती है। उनको वो बात एक्सेप्टेबल नहीं लगी, तो हम लोगों ने एमिकेबली कहा कि भाई आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब हु वॉज राइट, जस्ट गो बैक, वी नाउ वी हैव बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। मैंने मना कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने 8 मेंबर ईएजी बनाई, उनके पास वो प्लान है जो मैंने उनसे साझा किया था। लेकिन आप लोग सब प्रबुद्ध पत्रकार हैं, क्या आपको पता है वो ईएजी ने कुछ ऐसा काम किया जो हम लोग के ध्यान में आया हो? क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर वहां नहीं है, इसलिए कि उस तरह की कोई बॉडी कांग्रेस को फंडामेंटली रिवाइव कर ही नहीं सकती है। आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पीए के एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो आपका है वो चेयरमैन को सुधार दे, वो कैसे हो सकता है? वो तो हो नहीं सकता है। कोई ईएजी सीडब्ल्यूसी को कैसे सुधार देगी? उस पे सहमति नहीं बनी, इसलिए हम लोगों ने उसको अपना अपना रास्ता अलग कर लिया। जो परिवारवाद का जो आरोप है कांग्रेस पे और दूसरी पार्टियों पे, छोटी पार्टियों पे, वो उसमें कितना दम है? और दम है, लोगों के नजरिए से दम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस ज़्यादा परिवारवादी है कि राजद है कि सपा है कि बीजेपी है, वो तो तू तू मैं की बात है। लेकिन अगर आप पब्लिक के नज़रिए से देखें तो लोगों में जरूर ये बात है कि अगर आप यू आर बिकमिंग द लीडर जस्ट बिकॉज ऑफ द सरनेम, तो किसी जमाने में शायद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो आपके लिए एडवांटेज था कि आप राजा के लड़के हैं या किसी बड़े बाप के लड़के हैं या यू आर कैरिंग ए सिग्निफिकेंट सरनेम। टूडे इन टूडेज टाइम इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी, क्योंकि जो सामान्य जनता है उसको लगता है कि भाई हमें तो चपरासी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, हमें साधारण नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और आप आए, आप किसी के लड़के हैं इसलिए आप नेता बन गए। और आप पब्लिक के बिहेवियर को सेकेंड करने की, मैं जो बात कह रहा हूँ इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपको आर्ग्यूमेंट ये दूंगा कि आप देख लो जितने लोग इस तरह के आए हैं उनको सबको असफलता ही हाथ लगी है। पार्टियों का लीडर बन जाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं भाई ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। अखिलेश यादव, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, अखिलेश यादव सपा के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बाद वो नेता बन गए। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव के सपा के नेता बनने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जीत नहीं पाई है, ना विधानसभा ना लोकसभा। लास्ट सपा कब जीती थी? जब मुलायम सिंह यादव उसके लीडर थे, अखिलेश यादव उसके एक चेहरा थे। जब से नेताजी नेता नहीं है उसके बाद से, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अखिलेश जी अकेले लड़े हों, किसी गठबंधन में लड़े हों, कभी उनको सफलता नहीं मिली। तो ये दिखाता है कि सपा और सपाई, सपा के नेताओं ने उनको नेता मान लिया है,
यूपी की जनता कब मानेगी उसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। लालू यादव के लड़के हैं तेजस्वी यादव, तो राजद के लोग उनको नेता मान लेंगे, लेकिन बिहार के लोगों ने उनको अपना नेता मान लिया ऐसी बात नहीं है। सेम चीज लागू होती है, वो चाहे आप स्टालिन के लड़के हैं या गांधी परिवार के लड़के हैं, अगर आप तो परिवारवाद कहीं ना कहीं आप जनता अपने आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा तू मैं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा भी तो वही कर रही है। और भाजपा थोड़ी सी बेहतर आपको इसलिए दिखती है कि अभी वो नए नए सत्ता में आए हैं, उनका सेकेंड जनरेशन है, वो तो अब आएगा ना, तो वो प्रेशर तो अब बिल्ड क्यों होना शुरू होगा, पहले आपके नेता थे ही नहीं, आपके बाबूजी उतने बड़े थे ही नहीं, तो आप तो सेल्फ में नहीं दिखेंगे। अब वो समय आएगा कि नेक्स्ट 10, जैसे आप देखिए बहुत सारी बातें जो भाजपा ने कहा चाल चरित्र चेहरा को लेकर, जब वो सत्ता में आए हैं तो वो सब कुछ डाइल्यूट होता दिख रहा है। तो वंशवाद को लेकर भी भाजपा एक्चुअली वेदर दे आर एबल टू वॉक द टॉक और नॉट, वी शुड सी इट इन नेक्स्ट 5 or 10 years व्हेन देयर टू जनरेशंस हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड वी वांट टू सी कि भाई कौन सा नेता है जो कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को नहीं बढ़ाऊंगा। जेपी के आंदोलन में जो सबसे ज्यादा इंदिरा जी के खिलाफ वंशवाद पे खड़ा हुआ वो परिवारवाद, मतलब परिवार की ही पार्टी चला रहे। तो यू आर ऑनेस्ट टिल यू हैव गॉट अ चांस टू बिकम करप्ट। Prashant ji, you have floated your own party, Jan Swaraj party. I have not made a party. I am doing a movement which is called Jan Swaraj Abhiyan. So, would you be fighting elections next year? What is PK's aspiration and ambitions? You seem very passionate about the country. Yeah, mera aspiration abhi ye hai ki main 10 saal UN mein tha. 10 saal maine yahan aakar political field mein kaam kiya, jisko aap log chunav prabandhan ya rajnitik ranitikar wagera kehte hain. अब मैंने 20 साल में जो भी मेरा अनुभव रहा है, मेरा एस्पिरेशन ये है कि सबको समेट के ले जाकर मैं अपने राज्य बिहार में वो काम करूं जिससे अगले 10 साल में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। टुडे बिहार इज द मोस्ट डिप्राइव्ड पुअरेस्ट, मतलब सबसे गरीब पिछड़ा शिक्षित बेरोजगार राज्य इस देश में अगर कोई है तो बिहार है। मैं अपना जीवन का 10 साल 12 साल 15 साल अब उस चीज़ के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ कि बिहार में वो व्यवस्था बनाऊँ जिससे बिहार अगले 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्य में शामिल हो। मेरा एस्पिरेशन वो है और उसी के लिए मैंने अब ये सारे काम छोड़कर, मैं अब 2 साल से बिहार में ही रहता हूँ, वहाँ गांव-गांव घूमता हूँ, गांव में ही सोता हूँ, लोगों के साथ रहता हूँ, और मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो साथ में आकर वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन बना सकते हैं जिससे कि ये परिवर्तन लाया जा सकता है। नहीं, मतलब जिस दिन हमने पदयात्रा या कंसल्टेशन या लोगों से मिलने का ये अभियान पूरा कर लिया, तो उसका एक स्टेटेड लक्ष्य है कि लोग मिलकर पार्टी बनाएं, तो पार्टी बनेगी। उसके बाद जब पार्टी बनने के बाद जो भी इलेक्शन होगा, विधानसभा हो, लोकसभा हो, मुखिया का हो, सारे चुनाव लड़ेंगे। मेरी जो भूमिका है वो कुम्हार की है। कुम्हार समझते हैं जो लोग घड़ा बनाते हैं, तो मेरी भूमिका है कुम्हार की। मैं बिहार में घूमकर वो मिट्टी और चाक ढूंढ रहा हूँ जिससे कि अच्छा घड़ा बनाया जा सके। घड़ा जो है वो तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा, कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर अच्छी मिट्टी ना हो, चाक ना हो, तो घड़ा नहीं बन सकता। दैट विल बी लाइक अ किंग मेकर। मेरी भूमिका ये है कि अच्छी मिट्टी और चाक मिले, फिर मैं उसको थोड़ा सहारा दूँ ताकि वो घड़ा बन सके। अब आपको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल कोई बहुत अलग काम कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था, बिल्कुल नहीं, मैं काम वही कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। पहले यही काम मैं दलों, नेताओं और पार्टियों के लिए करता था, उनको जाके बताता था कि आप अपने संगठन को और कैसे इफेक्टिव बनाइएगा, कैसे आपका बूथ लेवल स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत यूनिट कैसी होनी चाहिए, आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे अपना आउटरीच करना चाहिए। यही काम मैं अब कर रहा हूँ, लेकिन दलों और पार्टियों के बजाय मैं अब ये काम सीधे जनता को बता रहा हूँ। तो ये आपको थोड़ा क्योटिक दिख रहा है, वो कैनवस बड़ा हो गया है, थोड़ा क्योटिक दिखेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगले 1.5-2 साल में जो मैं अभियान चला रहा हूँ, इसी से मेरा अपना विश्वास है कि समाज से वो लोग ढूंढ कर निकाले जा सकते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी मिलकर बनाए और एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण कर सके। सो यू फेवर अ कास्ट सेंसस? कास्ट सेंसस होने से पर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये नेशनल मुद्दा होना चाहिए, नेशनल पार्टियों का मुद्दा होना चाहिए, इस पर चुनाव होना चाहिए, मैं उसके विरोध में हूँ। क्योंकि जो लोग अगर इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कह रहे हैं, तो उनको या तो समझ नहीं है इस बात की, या फिर प्योरली ये अपॉर्चुनिज्म है। आप जैसे देख लो, पहली बार कास्ट सेंसस हुआ जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो
अगर आज कांग्रेस कह रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए तो आपने तो कास्ट सेंसस कराया था, आपको किसने रोका था वो आंकड़ा जारी करने के लिए? उसके बाद आज भाजपा वाले आए हैं, ये भी कई राज्यों में, बिहार जैसे राज्य में इन्होंने कहा कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भाई जो पहले से आंकड़ा पड़ा हुआ है उसको रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो नया ही करा के क्यों, 10 साल से हो सत्ता में क्यों नहीं करा? तो कास्ट सेंसस किसी समाज के बारे में अगर किसी भी तरह की जानकारी आर्थिक सामाजिक या अदरवाइज जो सरकार के डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाए, पॉलिसी मेकर्स को गाइड करे, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उसका लोगों की चिंता ये नहीं कि कास्ट सेंसस हो जाए, लोगों की चिंता ये कि कास्ट सेंसस के नाम पर वोट मिल जाए। क्योंकि अगर भाजपा की चिंता होती तो उनके पास तो आंकड़े पड़े हुए हैं, वो जारी कर दो, अगर नहीं है तो जैसे दूसरे चीजों को सुधारने का दावा कर रहे हो वैसे एक नया सेंसस करा लेते 10 साल में। लेकिन बिहार में चुनावी मुद्दा बनाकर उसके पक्ष में वोट दिया, पूरे देश में इसका विरोध कर रहे हैं। वही हाल देख लो आप कांग्रेस वालों का, जब सरकार में थे आपने कास्ट सेंसस कराया उसको रिलीज नहीं किया, और आज कह रहे हो कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो भाई जिन राज्यों में आप हैं वहीं पर कर दो, कर्नाटक में कर दो, कौन रोक रहा है? तो ये जो कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आप बदलोगे, कर्नाटक में जाकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को 2000 रुपये मिलना चाहिए मासिक सहायता, और कांग्रेस की जहां आप बिहार में आ रहे हो तो कह रहे हो इनको 1 पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। राइट। तो भाई अगर कर्नाटक की महिलाओं को, तेलंगाना की महिलाओं को मदद की जरूरत है तो बिहार में महिला को तो उससे ज्यादा जरूरत है। प्रशांत जी, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे राहुल गांधी के लिए आपके आपके क्या सजेशंस है 24 के लिए भी और 29 के लिए भी, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं, मनमाफिक सफलता उनको नहीं मिल रही है। देखिए मैं आई एम टू स्मॉल ए पर्सन टू एडवाइज राहुल गांधी। राहुल गांधी को सब कुछ पता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको पता है, उनको किसी सलाह की मदद की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि दो बातें हैं, जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि आई नीड अ हेल्प, तब तक तो आपको कोई हेल्प दे नहीं सकता है। और लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो लोग क्या कहते हैं, लीडर वो है जिसको अपनी ताकत का पता है और उसको उससे ज़्यादा ये पता है कि उसके पास क्या नहीं है, क्या उसकी कमजोरी है, एंड देन दे गो आउट एक्टिवली सर्च फॉर दोज हु कैन फिल दैट गैप। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है, ही नीड्स समबडी हु कैन कम एंड एग्जीक्यूट व्हाट ही थिंक्स इज राइट, वो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली, देर इज नो हार्म इन जस्ट स्टेपिंग टेकिंग अ बैक स्टेप एंड सेइंग भैया तुम चला के देख लो 5 साल। लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो या सही या गलत उसको छोड़ दो, अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो, अगर किसी वजह से 3ों चुनाव में सफलता नहीं मिली तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए, वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब, लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूँगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े हैं। तो इन ऑल अगर मैं उनको कोई एडवाइस दे सकता हूं तो यही दूंगा कि आप ये चुनाव का परिणाम देख लीजिए, अगर आपके मनोनुकूल नहीं आता है तो यू शुड अलाउ समबडी एल्स टू डू इट फॉर 5 years, देन मेक ए कम बैक, योर मदर डिड इट। भाई उनकी मदर ने नरसिम्हा राव जी को देखे अपने आप को अलग कर लिया, और जब जरूरत पड़ी तो फिर आई और देश ने उनको स्वीकारा भी, तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग स्टेप बैक। और हर फील्ड में ऐसा हुआ है, जब आप एक ही काम को किए जा रहे हो सफलता नहीं मिली, देयर इज नो हार्म के भाई 2 साल आप ब्रेक ले लो, गो बैक, लुक एट व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड।
आप अगर ये कहते रहेंगे कि जनता पोलराइज हो गई है, मेरे में गलती नहीं है, जनता ही को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे में गलती नहीं है, मीडिया बिक गई है इसलिए हो गया, ये जो नैरेटिव है कि भाई मीडिया ईसी जुडिशियरी सब कॉम्प्रोमाइज है इसलिए मैं हार रहा हूं, इस बात में थोड़ी सच्चाई है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। अगर इस बात में पूरी सच्चाई हो तो कोई ये पूछ ले कि भाई 2014 में तो आपकी सरकार थी, मीडिया आपके पास था, जुडिशरी तब इंडिपेंडेंट आपके हिसाब से थी, इलेक्शन कमीशन भी तब आप बीजेपी के प्रभाव में नहीं था, उस समय आप कैसे 50 पे आ गए? तो मीडिया जुडिशरी या अदर इंस्टीट्यूशंस इनका रोल है, दे आर बीइंग मजल्ड, दे आर बीइंग पुट अंडर प्रेशर, वो सब में बात में सच्चाई है, लेकिन उसी वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है ये बात ठीक नहीं है। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है 11-12 में अचानक से ये एक मूवमेंट शुरू हुआ और पार्टी बनी और उसके बाद वो पावर में भी आ गए, इस तरह का मॉडल किसी और राज्य में रेप्लिकेट होने की कितनी संभावना है, खास करके बिहार में जहां आप कोशिश कर रहे हैं? कोई संभावना नहीं है क्योंकि ऐसा कोई मॉडल यहाँ है नहीं। आम आदमी पार्टी की एक जो कमजोरी है मैं देखता हूँ कि इनकी कोई आइडियोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रूटिंग नहीं है। आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है, दिल्ली एक सिटी स्टेट है जो कि स्टेट भी नहीं है, वहाँ पर एक त्वरित सफलता मिली लेकिन दे हैव नॉट बीन एबल टू इंस्टीट्यूशनलाइज दोज गेन्स आइदर इन दिल्ली और बियॉन्ड। तो दिल्ली में एक एग्जीक्यूटिव पर्पज से तो उनको वोट मिलता है, पंजाब मैं आ रहा हूँ उस पर, दिल्ली में एक एग्जीक्यूटिव पर्पज से उनको वोट मिलता है, इसलिए आपको देखते हो कि उनको एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी दिल्ली में वोट उनको पड़ता है, लेकिन एज ए पोलिटिकल फोर्स दे विल नॉट बी एबल टू चैलेंज बीजेपी और अदर बिगर पार्टी। इवन कांग्रेस गॉट मोर वोट से वोट लास्ट जनरल इलेक्शन इन दिल्ली देन आम आदमी पार्टी। तो पोलिटिकल फिनोमेना वो नहीं है, और बिहार के दिल्ली के बाहर में उसको कोई बहुत बड़ी सफलता पाते हुए नहीं देखता। पंजाब में सफलता भी वो उस समय की ही लिंक्ड है उनके, आपको ऐसा लग रहा है कि एक दिन में हो गया है। पंजाब में 2014 में आम आदमी पार्टी के 4 MP जीत कर आए थे और 2015 में आम आदमी पार्टी वुड हैव वन लाइक दे वन दिल्ली इन द सेम वे दे वुड हैव वन बिकॉज देर हैज बीन अ ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी इन पंजाब अगेंस्ट द रूलिंग डिस्पेंसेशन दैट कंप्राइज्ड कांग्रेस एंड अकालीज। 15 में किसी तरह कांग्रेस ने वो बचा लिया, फिर वो चीज़ वापस लौट कर आई है, लेकिन मैं अगेन इवन इन पंजाब कॉन्टेक्स्ट आम आदमी पार्टी को मैं कोई पोलिटिकल फोर्स के तौर पर नहीं देखता हूँ। What is your observation about AAP Congress alliance? So they have alliance in Delhi, Gujarat, Goa, but they are fighting against each other in Punjab. So will it succeed? काफी समय निकल गया alliance पे बात करते करते, इनका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए मतलब मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ alliance ना desirable है ना effective है। कुछ जगह tactical alliance का फायदा है लेकिन ये जो formula theory दी गई है बीजेपी 1:1 कर लेंगे, भाई पहले से ही 350 जगह पे 1:1 है। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि जो ये 5 पार्टियां हैं कांग्रेस सपा आरजेडी एनसीपी और तृणमूल, ये 5ों पार्टियां अपना टर्फ हेड ऑन बीजेपी से होल्ड नहीं कर पा रही है। कांग्रेस 2014 में और 2019 में हेड ऑन बीजेपी से 15 सीट भी नहीं जीत पाए। समाजवादी पार्टी 2014 में 5 MP जीती थी, 2019 में 5 MP जीती है। सेम थिंग विथ NCP, RJD 3 या 4 MP जीते थे वो 2014 में और 2019 में 0 MP। तो सिर्फ ये 5 पार्टियों को अगर आप मिला देंगे तो करीब करीब 350 सीटों पर, जब तक ये 5 पार्टियां अपना स्ट्राइक रेट 30% से ज़्यादा नहीं करेंगी तब तक भाजपा को हराने का, चाहे आप जितनी बात कर लो, चाहे नाक को जैसे पकड़ लो, भाई ये 350 सीट है इसमें भाजपा का स्ट्राइक रेट 90% है, तो शुरू ही कर रहे हैं 250 से। जब तक ये पार्टियां, जैसे सपा को यूपी में अगर हराना है, अगर आरजेडी हरा दे भाजपा को बिहार में, अगर कांग्रेस हरा दे भाजपा को राजस्थान में गुजरात में, तब तो उनका सीट कम होगा ना भाई। आप चाहे जितने अलायंस कर लो, गुजरात में आप कितना भी अलायंस कर लो उससे क्या फर्क पड़ना है, तृणमूल से अलायंस कांग्रेस का हो या ना हो उसका गुजरात में क्या असर होगा, छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा, मध्य प्रदेश में क्या असर होगा, बिहार में क्या असर होगा? प्रशांत जी आप दिस इज
थियोरिटिकल कुछ नहीं है तो अपोजिशन के साइड से क्या बात करना है, तो मीडिया वालों को भी मजबूरी है भाई, और कुछ तो है नहीं, नैरेटिव है नहीं, फेस है नहीं, एजेंडा है नहीं, तो अलायंस की बात करते रहो। यू यू आर अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पार एक्सलेंस। नहीं नहीं यार, हम तो साधारण लोग हैं, टैक्टिशियन टैक्टिशियन मैन। ये तो वर्ड्स आपके हैं भैया। हाँ मैं एक सेकंड, हम जब खबर लिखते हैं ना तो उस समय ये दिक्कत आती है कि प्रशांत किशोर के लिए क्या लिखें, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल कंसल्टेंट या पॉलिटिशियन। आप प्रशांत किशोर लिखें, बस इनका नाम ही काफी है। प्रशांत किशोर लिखें, जो बिहार का लड़का है, जो हु हैपेंस टू बी इन दिस डोमेन फॉर 10 इयर्स, नाउ हैज लेफ्ट द स्पेस एंड इज डूइंग समथिंग फॉर माय ओन स्टेट। उसमें वर्ड स्पेस बहुत ज्यादा, द मैन विद द The man with the magic wand. दो सब तो मेरे माँ बाप ने जो मेरा नाम लिखा है, प्रशांत किशोर। ये मेरा एक सवाल था कि आप इतने सारे लीडर से पॉलिटिशियन से मिले हैं ड्यूरिंग योर करियर एज एडवाइजर टू डिफरेंट एड्स टू देम। हाँ, एड्स देम आल्सो द पॉलिटिशियंस देमसेल्व्स हु एड टू देम, नॉट आई यू हैव एडेड, यू हैव एडेड, आई सी माय सेल्फ व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ पॉलिटिकल एड टू दोज हु आई चूज टू वर्क विद। हु हैज इंप्रेस्ड यू द मोस्ट बाय हिज इंटेलेक्ट और हर इंटेलेक्ट? एवरीवन, एवरीवन। मैं जब बहुत छोटा था, मेरे पिताजी ने एक बात समझाई जो मुझे मेरे जीवन में, मैं मानता हूँ कि जिससे भी मिलिए, सो वर्ल्ड विल लुक एट द गैप्स, यू लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्सन। देयर मस्ट बी समथिंग इन लालू टू मेक हु ही हैज बिकम, देयर मस्ट बी समथिंग इन मोदी विच हैज हेल्प्ड हिम बिकम व्हाट ही हैज बिकम। तो मुझे सब ने इंप्रेस किया है, आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर, बिल्कुल एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट आंसर है। सबने इंप्रेस किया है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग। मैंने अभी आपकी अदालत में लोगों ने पूछा राहुल गांधी की क्या ताकत है, इसी सवाल को अलग से पूछा, तो मैंने बताया उनकी क्या ताकत है, और जो मैंने आंसर दिया, भाजपा वाले कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा है, और कांग्रेस वाले भी कह रहे वाह जब ये बात देखो कह दिया इन्होंने। मैंने ये कहा कि भाई राहुल गांधी की अगर आपको ताकत देखनी तो यही है कि डिस्पाइट 10 ईयर्स ऑफ अनइंटरप्टेड लॉसेस, 90% से ज्यादा चुनाव हारने के बावजूद मेंटली एंड फिजिकली टू बी एट इट, इट सेल्फ शोज की मतलब यू हैव अ टेम्परामेंट पार एक्सीलेंस टू डू व्हाट यू आर डूइंग, फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वेदर इट्स राइट और व्हाट दैट आई एम नॉट सेइंग, लेकिन वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप जब रोज हार रहे हैं फिर भी आप खड़े हुए हैं, ये साधारण बात नहीं है। अगर मोदी जी 90% चुनाव हार जाए अगले 10 साल में, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ही विल नॉट बी standing and fighting as a politician. Is that his only strength? Rahul Gandhi's. अब मैं एक की आपने पूछा, एक मैंने आपको बता दिया. You talked about Rahul Gandhi and what is actually the problem with him. But in your view, what is the success, reason of success for Mr. Modi? Reason of success मैंने बताया, देखिए अगर आप मोदी की पूछ रहे हैं, भाजपा की पूछ रहे हैं? मोदी. मोदी की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह जो है, उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनका यूनिक एक्सपीरियंस मिक्स। As a individual, this guy has spent 15 years as प्रचारक, संघ के प्रचारक के तौर पर 15 साल इस व्यक्ति ने समाज में सीधे समाज के स्तर पर जुड़कर काम किया, समाज को देखा, समझा या उनको समझने का अवसर मिला। फिर 15 साल वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के तौर पर बीजेपी में पार्टी फंक्शनरी के तौर पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन को बनाना, चलाना, चुनाव लड़ना, लड़ाना, उसकी समझ बनाई। फिर 15 साल सीएम के तौर पर, और अब तो 10 साल उसमें प्रधानमंत्री का जोड़ दीजिए। जब आप इन तीनों चीज को जोड़ेंगे तो ये जो 45 साल का यूनिक एक्सपीरियंस मिक्स है मोदी का, समाज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पर और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज यूनिक। इफ यू अप्लाई योर माइंड एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल हैज दिस काइंड ऑफ यूनिक एक्सपीरियंस मिक्स। तो जब आप, इसीलिए आप अभी उन्होंने किसी भाषण में कहा कि मैं होने वाली चीज को भांप लेता हूं, पत्रकार कहते हैं कि मोदी जी कैन लिटरली सेकेंड गेस व्हाट पीपल वांट टू हियर, ये सिम्टम है। वो इसलिए भांप ले पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 45 साल इस काम को अलग अलग नजरिए से करके देखा है, तो ये उनकी ताकत है। 45 साल का जो उनका यूनिक एक्सपीरियंस मिक्स है, दैट अलाउज हिम टू बी यू नो अहेड ऑफ अदर्स इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू the social needs of the society. Does that make him? That doesn't mean that no one can defeat him. That's what was my next question. Do you think he's unstoppable? No, he can be defeated easily. He has been defeated. ये आप लोग का बहुत बड़ा भ्रम है।
आगे क्या होगा छोड़ दीजिए. मैं आपको तीन डेटा पॉइंट दे देता हूँ. जब भी आपको लगे और लोग आकर ज्ञान दें कि भैया 10 साल में तो बस मोदी ही मोदी हैं, तो मैं आपको तीन बड़े डेटा पॉइंट दे रहा हूँ, उसको आप याद रखिए. जनवरी 2015 से लेकर जून 2016 तक 12 और 6 18 महीने तक इसी भाजपा, यही मोदी, यही अमित शाह, यही संघ, यही गवर्नमेंट, सारे प्रयास के बावजूद उनको कोई सफलता इलेक्टोरल नहीं मिली. असम एक एक्सेप्शन हुआ मई 2015 में. 2015 जनवरी में वो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हारे, नवंबर में महागठबंधन से हारे, मई में बंगाल तमिलनाडु जैसे जगह पर हारे. लेकिन एक चीज जो उनको बचा ले गई वो असम में जीत. ये वो फेज है जब पहली बार बीजेपी की तब की सीनियर लीडरशिप ने ओपन पत्र लिखा था कि भाई जो पार्टी की कार्य पद्धति है इसको सुधारने की, बेहतर करने की जरूरत है. ऑपोजिशन कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दैट 15 मंथ्स. ये पहला इंस्टेंस था. तब मोदी नए थे, सरकार की इतनी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी. स्वच्छ भारत, योगा को छोड़कर, कोई जनधन, दो तीन बातों को छोड़कर अभी वो मतलब अभी जम ही रहे थे. आपके पास शुरुआती 15 महीने में ये मौका आया था. लेकिन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने उस समय क्या सोचा, अरे 5 साल में आए हैं, खुद ही जनता नाराज हो जाएगी, हट जाएगी. सो यू अलाउड देम टू मेक ए कम बैक. देन केम द सेकेंड फेज, जून 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक, फिर 18 महीना. पोस्ट कोविड, सॉरी पोस्ट डीमोनेटाइजेशन. यूपी में तो उनको तुरंत सफलता मिली, लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो सोशल इकोनॉमिकल जो अनरेस्ट नीचे हुआ, उसका असर ये हुआ कि 6 महीने बाद तक, मतलब 2017 जून से आपने देखा गुजरात में एक आंदोलन शुरू हुआ, पटेल आंदोलन. और गुजरात में नवंबर में जो चुनाव हुए 2017 में, करीब करीब भाजपा चुनाव हार गई थी. फिर 2018 में वो कर्नाटक हारे, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारे. मतलब पूरे 1.5 वर्ष तक बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली. कांग्रेस हैड ए टाइम, ऑपोजिशन हैड ए टाइम टू मेक ए कमबैक. दे मेड ए ह्यूज मिस्टेक, दे ब्लंडर्ड इन लोकसभा, बीजेपी मेड ए कमबैक. दिस वाज सेकंड. ये एक दिन का फेज नहीं, मैं बता रहा हूँ 15-15, 18-18 महीनों का फेज रहा है. फिर तीसरा मौका, पोस्ट कोविड सेकेंड राउंड. पहली बार अगर आप सर्वे देखेंगे, मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी वेंट डाउन पोस्ट कोविड सेकेंड राउंड. पूरे देश में हाहाकार मचा है. पहली बार जो मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास है, जो मोदी जी का एक तरह से अंधभक्त रहा है पिछले कुछ सालों में, उसका वो विश्वास हिला. जो कोविड में जब आपने क्राइसिस देखी, MOTN का सर्वे आप उठाकर देखिए, पहली बार मोदी का जो पर्सनल पॉपुलैरिटी अप्रूवल रेटिंग है, दैट वाज लोएस्ट इन जून 2021. उसके बाद बंगाल में उनको मैसिव हार हुई. दैट वाज द टाइम व्हेन यू कुड हैव माउंट अ चैलेंज. व्हाट डिड यू डू फॉर 1.5 ईयर? यू आर सिटिंग एट होम. कोविड में कोई ऑपोजिशन लीडर, कोई पार्टी, किसी नेता ने कोई प्रयास किया हुआ बता दीजिए. स्लोली ही अगेन मेड ए कम बैक. तो अगर आप तीन बड़े मौके 10 साल में, कम से कम 15-15 महीने के दो और एक साल का एक मौका ऑपोजिशन और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के सामने आया है, यू कुडंट कैपिटलाइज ऑन इट. तो अगर आप कैच छोड़ोगे तो बैट्समैन 100 रन बना ही देगा भाई. एंड स्पेशली इफ इज ए गुड बैट्समैन, ही इज गोइंग टू मेक यू पे फॉर इट. तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 10 साल में कोई चैलेंज नहीं हुआ है, कहीं वो चुनाव नहीं हारे, कहीं कोई ये तो जब आप पीछे बैठ के देखते हो भैया 10 साल से लगातार वही बने हुए. बट देर हैज बीन फेजेस, प्रोलॉन्ग्ड फेजेस, व्हेन दे वेर ऑन बैक फुट, दे वेर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, बट ऑपोजिशन प्राइमरली लेड बाय कांग्रेस कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन इट. टू टेक यू बैक व्हाट यू स्टार्टेड ऑफ विद, व्हिच वाज लाइक, you know, really, that was your really good insight actually, that BJP is going to make significant gains in the East and South. So what are the factors, like is it Modi's personal popularity, is it what you were talking about, alliances, what is it that is going to lead to this, you know, these kind of changes in East this and belt? South? Hmm. Yeah. Well, unki ek thodi durdarshita to hai hi. ऑपोजिशन को ये समझना है कि जब तक हम वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को नहीं हराएंगे, तब तक हम बीजेपी को हरा नहीं सकते. बीजेपी को ये देखना है कि जब तक हम साउथ और ईस्ट में स्पेस नया गेन नहीं करेंगे, तब तक हम सेफ नहीं है या लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ये एरिया जहां हमें ग्रो करना है.
What BJP is doing, they are putting every effort to expand. Just look at the number of visits Amit Shah would have done in 10 years in Bengal versus number of visits Rahul Gandhi would have done in Bihar or UP or Madhya Pradesh. Mm. Just compare it. Forget about effectiveness, forget about strategy, forget about Sangathan. Just count. I'll give you another staggering data. Count the number of visits Prime Minister has done to Tamil Nadu in last 5 years versus Rahul Gandhi or Sonia Gandhi or any leader for that matter on opposition side going in a battleground states. Agar aap wahan expand karna chahte hain to aapko prayas karna padega. To aapki ladai hai Uttar Pradesh mein, Bihar mein, Madhya Pradesh mein aur aap ghoom rahe hain Manipur, Meghalaya mein. To kaise milegi safalta aap bata dijiye. और इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं. इट्स अ कॉमन सेंस कि जहां लड़ाई है मुझे मैं आई एम द फर्स्ट वन अगेन हु क्रिटिसाइज द टाइमिंग ऑफ राहुल गांधी सेकेंड यात्रा. लोगों ने पूछा भाई आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं. मैं कह रहा हूं भाई जब आप मल्टीनेशनल आर्मी को लीड कर रहे हैं तो आर यू शुड यू बी एट द हेडक्वार्टर्स और शुड बी यू ऑन द फोरफ्रंट. भाई आपको यह तय करना है कि अलायंस स्टिच हो जाए, आपको यह तय करना है कि इसका नैरेटिव बन जाए, सीट शेयर पहले डिसाइड हो जाए. जब यह करना है तब आप मणिपुर और मेघालय और बिहार में घूम रहे हो. जब बिहार और मणिपुर में 3 वर्ष पहले घूमना था तब आप दिल्ली में बैठे हुए थे. अब इसके लिए कौन से स्ट्रेटेजिक ज्ञान की जरूरत है आप बता दीजिए मुझे. भाई आपका बिहार में अलायंस टूट रहा है और आप कहां हो उस दिन. आप किसी देश के ऑब्सक्योर प्लेस में बैठ के पद यात्रा कर रहे हैं. आप यहां पर एजेंडा नहीं जारी कर पा रहे हो. क्या कर रहे हो उस दिन. आप कहीं धरने पर बैठे हो मंदिर में घुसने के लिए. वो काम करने के लिए 4 वर्ष था ना. अभी तो आपकी लड़ाई लग गई. अभी आपको वो फाइनलाइज करना है कि आपका नैरेटिव क्या है, आपके अलायंस पार्टनर कौन है, सीट का डिसीजन करना है. और बिना आपके कहे हुए कुछ दूसरा होगा नहीं. आपने किसी को डेलीगेट किया नहीं है. अगर आपको नहीं करना है, आप मान लो आप यात्रा ही करना चाहते हो तो यू शुड हैव डेलीगेटेड इट. जस्ट गो एंड टॉक टू the alliance committee that Congress has formed. एक एक आदमी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताएगा कि they cannot decide about a single state, a single party, a single seat in terms of alliance until and unless they get the approval from XYZ. तो अगर आप ही को डिसाइड करना है तो फिर आपको दिल्ली में होना चाहिए. प्रशांत जी, ईस्ट और साउथ के बारे में आपने बोला तो बीजेपी ने जो लास्ट टाइम जो नॉर्थ और वेस्ट पूरा स्वीप किया था 90% से ज्यादा सीट जीती थी. Do you see that repeat happening? And secondly, आपने आंध्र असेंबली देखिए, by large, north or west में BJP would be able to hold its ground. That doesn't mean कि भाई 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट ऊपर नीचे नहीं हो सकता है. वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं है और मैं इस तरह के prediction करता नहीं हूँ. By large, I do not see them taking a significant hit in UP or Madhya Pradesh or Gujarat or Karnataka. More or less, they will hold the ground. 5 सीट ज़्यादा या 5 सीट कम. लेकिन मान लो कि अगर इस पूरे एरिया में 20, 25, 30 सीट कम हो भी जाए तो 30 सीट वो दूसरे जगह से बढ़ा लेंगे और एंड दे आर सिटिंग एट 310, 320. तो उनको हिट तो तब होगा ना कि कम से कम 100 सीट बीजेपी हैज टू लूज. इफ यू वांट मी टू क्वांटिफाई, आप चाहे जिस तरीके से भी एनालाइज कर लो, बीजेपी हैज टू लूज एटलीस्ट 100 सीट इन नॉर्थ एंड वेस्ट फॉर देम टू फील द प्रेशर और टू kind of any other formation to come into play. क्या वो हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि नॉर्थ और वेस्ट में आज बीजेपी 100 सीट हार रही है. अगर आप हरा दोगे तो दूसरी कई तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन खुल जाएंगे. सो फॉर ऑल द रीजंस यू लिस्टेड रिगार्डिंग राहुल, सो व्हाई द रिलक्टेंस ऑफ राहुल टू स्टैंड फ्रॉम अमेठी. हाउ डू आई नो. नाउ व्हाट डू थिंक कुड बी. हाउ डू आई नो. वो उनकी सोच तो वही बता सकते हैं. मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि व्हाई ही इज रिलक्टेंट. मतलब अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मतलब वो कौन उनको करना चाहिए कि नहीं, आई थिंक नॉट फाइटिंग. मैंने उसको दूसरे शब्द में कह दिया है कि आप यूपी छोड़ केरल जीतकर इंडिया नहीं जीत सकते. सिर्फ केरल जीत के इंडिया नहीं जीत सकते. आप यूपी में अगर नहीं जीतोगे, बिहार में नहीं जीतोगे, मध्य प्रदेश नहीं जीतोगे, तो आप वायनाड से जीत भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो स्ट्रेटेजिकली आई कैन से कि भाई लेटिंग दैट स्पेस गो इट विल ओनली सेंड ए रॉन्ग मैसेज. भाई मोदी जी गुजरात के होकर आकर यूपी में लड़े 2014 में. दो सीट से लड़े लेकिन लड़े. बिकॉज यू कैन नॉट विन इंडिया अनलेस यू विन द हिंदी हार्टलैंड और हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन हिंदी हार्टलैंड. तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा.
प्रशांत जी, पिछली बार आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में आप वाईएसआर के साथ थे जी, इस बार साथ ही वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, उड़ीसा में भी चुनाव हो रहे हैं, व्हाट डू थिंक इज गोइंग टू हैपन, लाइक व्हाट इज योर टेक? देखो, मैं तो अब उस स्पेस में हूँ नहीं, तो मैं बाहर से बैठ के गेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी वुड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए कमबैक। उड़ीसा का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने उड़ीसा में ऐसा काम नहीं किया है। आंध्र प्रदेश में जो मैंने काम किया है, जो मैं थोड़ा बहुत बाहर से देखता हूँ, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर जगन मोहन रेड्डी टू मेक ए कमबैक। वाई सो? देर इज मेनी रीजन्स। वन इज देर आर लीडर्स लाइक जगन मोहन रेड्डी हु हैव थॉट एंड हैव बिकम इन देयर माइंड्स द प्रोवाइडर रादर देन बीइंग द लीडर। देर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन इलेक्टेड लीडर एंड स्टार्टेड टू थिंक योर सेल्फ एज ए प्रोवाइडर। जब आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हो तो यू हैव टू प्रोवाइड, बट यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द पीपल्स एस्पिरेशंस। जब आप प्रोवाइडर बन गए हो प्योर प्ले, देन यू थिंक कि भाई मैं राजा हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं दे रहा हूँ और मुझे वोट देते रहो। तो जगन मोहन रेड्डी एट सम स्टेज हैज डिसाइडेड कि भैया मैं कैश ट्रांसफर करता रहूँगा, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुमको 2000 रुपया मिलता रहे, सड़क बने या ना बने, कैपिटल आंध्र प्रदेश में हो ना हो, फैक्ट्री लगे ना लगे, हम कर्ज लेकर ही पैसा तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।